अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास चैनल जॉब्स। नाज़रीन, न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि NTS यानी नेशनल टेस्टिंग सर्विस में ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। तो फ्रेंड, इससे जो है आप ऑनलाइन खुद अप्लाई कर सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, घर बैठे आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। कम पैसों में जो है पैकेज लगा के नेट का आप जो है खुद अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। इसमें जो है मैं आपको बताऊंगा पूरा तरीका कि किस तरह जो है अप्लाई करते, स्टेप बाई स्टेप जो है मैं आपको सिखाऊंगा। तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, करना क्या, आपने जाना है गूगल पे जाकर आपने यहाँ पर सर्च कर लिखना है सर्च बॉक्स में NTS। यहाँ पे जैसे आप NTS लिखेंगे तो एंटर मार देना है। जैसे आप एंटर मारेंगे गूगल पे, सबसे पहले पे NTS लिखा हो, इस पर आपने करना है क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। ये NTS की ओरिजिनल वेबसाइट है, नेशनल टेस्टिंग सर्विस ऑफ पाकिस्तान, ये इसकी जो है ओरिजिनल वेबसाइट है। यहाँ पर जाकर आप जो है जितनी भी यहाँ पे जॉब्स की अनाउंसमेंट होती है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, कैंडिडेट की लिस्ट चेक कर सकते हैं, रिजल्ट्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने करना है ऑनलाइन अप्लाई का तरीका सीखना है। तो आपने जाना है एप्लीकेशन में, यहाँ पे जहाँ पे ऐड आते हैं हमारे न्यू जॉब्स की अनाउंसमेंट होती है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ऐड यहाँ पर सामने आ रहे हैं, पंजाब लेबर कोर्ट नंबर 3 लाहौर एड फ्रोज वाला, ये जो है ऐड आया हुआ है नीचे ऐड में। तो हमने सीखना है इस ऐड पे प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। इसमें जो बहुत काफ़ी सारे इसमें असाइनमेंट उसकी, इसकी भी मैंने वीडियो बना के डाली हुई है, वो भी आप देख सकते हैं, 10 लास्ट डेट है इसकी। तो फ्रेंड्स, हम सीखेंगे ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। तो आपने क्लिक करना है यहाँ डिटेल पे, जिसमें आप अप्लाई करें उसी ऐड के सामने डिटेल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो मैं तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में अप्लाई कर रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो इस पर क्लिक किया तो आप जिस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हो उस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे लिखा है फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप ऐड भी देख सकते हैं इसका, यहाँ पे आपने अप्लाई करनी है, यहाँ पे आपको लास्ट डेट शो हो रही है। इस यहाँ पे आपने क्लिक करना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे, इस जगह पे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप पर इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अगर आपका पहले से यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ से लॉगिन करेंगे, अगर नहीं बना हुआ तो सबसे पहले आप यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम फटाफट अकाउंट बना लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम अपना अकाउंट जो है क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे जो है NTS के पहले 5 डिजिट जो है वो देना है। मैं यहाँ पे 5 डिजिट देने लगा हूँ, ये 5 डिजिट आ गए। इसके बाद जो आपने बाकी वाले डिजिट तमाम यहाँ पे देना है, एक यहाँ पे लास्ट वाले डिजिट देना है। तो यहाँ पे आपने डिजिट देने हैं, लास्ट वाला आप यहाँ पे दे देंगे। ये हमारा नंबर, यहाँ पे दोबारा कन्फर्म CNC नंबर दोबारा लिखेंगे, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। ये हमारा CNC नंबर आ गया। यहाँ पे आपने पोस्ट जो है वो सिलेक्ट करनी है कि आपने किस पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं। तो जूनियर टेक्नीशियन है इस ऐड पे, ये एक ही पोस्ट है तो इस पे हम क्लिक करेंगे। ये हमारा आगे, इसके बाद हम यहाँ पे पासवर्ड देंगे, अपना अकाउंट हम क्रिएट कर रहे हैं लॉग इन होने के लिए, अकाउंट जो है साइन अप कर रहे हैं। यहाँ पे मैं अपनी तरफ से कोई भी पासवर्ड दे देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे दोबारा उसी पासवर्ड दोबारा लिखना है और साइन अप पे क्लिक करना है। तो हमारा अकाउंट जो क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे आप हम जो है लॉगिन करेंगे, वही पोस्ट जो है सिलेक्ट करनी है यहाँ पे आपने, और यहाँ पे दोबारा वही CNC नंबर देना है आपने। ये हमारा CNC नंबर जो शो हो रहा है, इसके बाद यहाँ पे अपने पासवर्ड देना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस शो होगा, इंस्ट्रक्शन कुछ दी गई हिदायत, ये आपने खूब गौर से पढ़ लेनी है। यहाँ पे कह रहा है कि आपने कैपिटल लेटर जो यूज़ करना है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ये आपने खुद रीड करना है, तमाम को कोई रीड वैसे कर तो नहीं है, यहाँ पे आपने रीड कर लेना है और यहाँ पे चेक पे क्लिक कर देना है, क्योंकि हमने भी इसका मतलब ये हमने कन्फर्म कर लिया, हमने अच्छी तरह जो इसको रीड कर लिया है। रीड कर यहाँ पे कंटिन्यू पे आपने कंटिन्यू पे जो है क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे इस तरह का ये शो हो जाए, इसको ओके कर देना है। जैसे आप इसको ओके करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ ली, एप्लीकेशन स्टेटस पढ़ लिया, अब हम एप्लीकेशन फॉर्म पे आ चुके हैं। ये हमारे पास फॉर्म है, यहाँ पे वो कह रहा है डिजायर्ड टेस्ट सिटी, आप कहाँ पे जो है टेस्ट देना चाहते हैं। यहाँ से आपने
वही सिटी यानी कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस ज़िले में आप पेपर देना चाहते हैं टेस्ट, वही ज़िला जो है आपने जो है सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ से भोलपुर सिलेक्ट करता हूँ, मेरा भोलपुर है। डिज़ायर पोस्ट जो है हमारी जूनियर टेक्नीशियन है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट अप्लाई आप कहाँ से अप्लाई करें, तो मैं यहाँ से भोलपुर पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है, यहाँ पे अपने पूरा नेम लिखना जो जो आपके शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ है। यहाँ मैंने नाम लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे सीएनसी नंबर हमारा पहले से आ चुका है जो हमने लॉगिन में दिया था। जेंडर मेल या फीमेल है, तो आपने मेल है तो मेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद रिलीजन आपका क्या है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, तो मुस्लिम हूँ मैं, मुस्लिम पे क्लिक करूँगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपने लिखनी है, मंथ को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे जो है मैं अपना मंथ को सिलेक्ट करूँगा, मेरा अप्रैल है, डेज जो है वो 20 है, मैं 20 को जो है सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मेरा जो साल है पैदाइश का वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। तो फ्रेंड इस तरह आपने जो है लिखना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर लिखना है, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिख देना है। ये फर्जी से मैंने ईमेल लिखी है, आपने जो अपनी ईमेल लिखनी है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल कहाँ का है, तो जिस डिस्ट्रिक्ट का आप डोमिसाइल जिस जिले का है तो वह यहाँ पे लिखना है। तो ये मेरा भोलपुर, मैं भोलपुर लिख दूंगा। इस पोस्टल सिटी कौन सा आपका, तो यहाँ पर मैं भोलपुर ही लिख देता हूँ। आपका जो भी है वही लिखना है। यहाँ पे पोस्टल एड्रेस लिखना है, जो आपका पोस्टल एड्रेस हो, जहाँ पे आपकी एनटीएस की स्लिप वगैरह आ जाए, तो यहाँ पे जो है आपने वही लिख देना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने पोस्टल एड्रेस लिखना है, जो आपके शनाख्ती कार्ड पे वही लिख दें, या आपके घर के करीब जो कोई मशहूर सा स्टोर हो या कोई क्लिनिक हो उसका नेम लिख दें, जहाँ पे आपकी ईमेल वो आ जाए, पोस्ट आ जाए। इसके बाद मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे लिखना, शो करवाना है अपना, यहाँ पे भी लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे जो है अपने फादर का नंबर लिख दें, या आपका दूसरा कोई और नंबर है वो लिख दें। यहाँ ऑफिस का नंबर हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे नंबर लिख देंगे, खाली जोड़ देंगे तो कोई मसला नहीं है। आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉई, के आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं पहले से, तो आप हैं तो यस, नहीं है तो नो लिखते हैं। उसके बाद आर यू डिसेबल, के आप मजदूर कोटे में शामिल होना चाहते हैं, अगर आप मजदूर हैं तो यस करें, नहीं है तो नो कर दें। इसके बाद रजिस्टर डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी अगर आप हैं मजदूर तो यस करें, वरना नो लिख देना है। नेचुरल डिसेबिलिटी लिख देना, अगर हैं तो यहाँ पर यस लिखना है। इसके बाद यहाँ से आपने पिक्चर कोई भी अपलोड करनी है, कोई सी पिक्चर मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ, फर्ज इसी पिक्चर में यहाँ से चूज़ करता हूँ। आज जुम्मा है तो जुम्मा बारे वाली पिक्चर लगा देते हैं। फर्ज इसी आपने अपनी पिक्चर लगानी है, जो बंदा अप्लाई कर रहा है तो अपनी पिक्चर लगाएगा। यहाँ से मैंने पिक्चर अपलोड कर दी, तो पिक्चर का साइज़ वो बता रहा है, यहाँ पे देख लें आप खुद, यहाँ पे 1.5 × 1.5 इंच आपकी जो है पिक्चर होनी चाहिए। यहाँ पर जो है आपने अपनी एजुकेशन बतानी है, तो मैट्रिक आपने किस चीज़ के साथ की थी, साइंस के साथ आर्ट्स के साथ, वो ये लिखना है। मैंने साइंस के साथ साइंस लिखूंगा। यहाँ पे जो आपका मेजर सब्जेक्ट कौन सा था, बायोलॉजी थी। यहाँ पे आपने जो है अपना वो सिलेक्ट करना है, पासिंग ईयर्स, किस साल आपने पास किया था, तो मैंने 2014 में पास किया था, मैं 14 लिख दूँगा। यहाँ पर जो है आपने कितने नंबर हासिल किए, 788। यहाँ पर टोटल नंबर कितने हैं वो आपने शो करना है, 1100। कहाँ से किया था, तो मैंने 22 भोलपुर से किया था। यहाँ पे जो है अपने इंटर की भी क्वालिफिकेशन बतानी, मैंने एफएससी की, क्योंकि यहाँ पे मांग भी एफएससी की है प्री मेडिकल में। यहाँ पे जो आपका मेजर सब्जेक्ट कौन सा था, तो आपने वो बताना है, बायोलॉजी हो गई। इस पर यहाँ पे जो आपने पासिंग ईयर बताना है, 2016 मेरा पासिंग ईयर है। यहाँ पर आपने पासिंग मार्क्स बताने, कितने नंबर आपके आए थे, 682 थे मेरे नंबर, यहाँ पर टोटल मार्क्स 1100 थे। यहाँ पर बताना कि आपने कहाँ से इंटर की थी, तो 22 भोलपुर से मैंने की थी। आपने अपना जगह बतानी, अपना बोर्ड बताना है जहाँ से आपने तलीम हासिल की थी। उसके बाद बैचलर की डिग्री ऐसे ही बतानी है,
आपकी बैचलर डिग्री है, एमए, जितने भी है नीचे बताते जाएंगे। तो मैंने दो दो डिग्रियां जो है शो करवा दी, क्योंकि यहाँ इस पोस्ट पे एफएससी मांगी गई है, तो मैंने दो डिग्रियां बता दी, मैट्रिक और एफए मैंने यहाँ बता दिए। तो अगर आप बैचलर डिग्री यहाँ पे लिखेंगे, उसके मास्टर डिग्री भी लिखते जाएंगे, तमाम का ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे ऐसे लिखने के बाद यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि अदर डिप्लोमा सर्टिफिकेट, क्या आपने कोई डिप्लोमा भी किया हुआ है? अगर किया हुआ है तो यहाँ पे उस डिप्लोमे का जो है वो शोभा जो है वो सिलेक्ट करेंगे। वो सिलेक्ट करने के बाद जो है आप यहाँ पे पासिंग ईयर बताएंगे, कब आपने जो है पास किया था। मैं 2015 लिख देता हूँ। यहाँ पे ड्यूरेशन कितने अरसे का आपने जो है डिप्लोमा के, मैंने 6 मंथ, आपका जो जिस मंथ जितने महीने का आपका डिप्लोमा हो वही आपने डेट बतानी है। यहाँ पे जो है आपने उस इदारे का नेम लिख देना है, शो करवा देना है। उसके बाद जो यहाँ पे एक्सपीरियंस, प्लीज़ अटैच यूर अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स विद हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन। अप्लीकेशन के साथ आपने एक्सपीरियंस का जो सर्टिफिकेट है वो भी लगाना है। यहाँ पे आपने एक्सपीरियंस बताना है, डेजिग्नेशन आप किस पोस्ट पे काम करते रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन यानी उस कंपनी का, उस इदारे का नाम क्या था, यहाँ पे जो है कब से आपने स्टार्ट किया और कब तक आपने उसका एंड किया, उस कितनी एक्सपीरियंस आपका हो गया, टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पे बताना है, साल बताना है और मंथ बताना है और सबमिट कर देना। इतनी सी ये अप्लाई का प्रोसेस था। ये हमारी अप्लाई जो मुकम्मल हो चुकी है। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो हमारी जो है एप्लीकेशन चली जाएगी और हमारे सामने प्रिंट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था तरीकाकार अप्लाई करने, बहुत ही आसान तरीका है इसमें अप्लाई करने का, और इसमें कोई तरीका नहीं है। इस तरह ये अप्लाई होगी, एप्लीकेशन मेरा कंप्लीट हुई। अगर उनका कॉन्टैक्ट नंबर लॉग आउट करना होगा, हम लॉग इन हुए हैं। तो फ्रेंड्स हम यह अप्लाई कर चुके हैं, एनटीएस में अप्लाई करना सीख चुके हैं। तो फ्रेंड्स इस चैनल पे आपको पाकिस्तान जितनी भी जॉब्स की अनाउंसमेंट होती है उसके बारे में बताया जाता है, जनरल नॉलेज वीडियोस अपलोड की जाती हैं। मैंने सोचा क्यों ना दोस्तों को बता दूं कि ऑनलाइन अप्लाई किस तरह होती है। आप लोग जो है ऑनलाइन शॉप पे जाते हैं, अप्लाई करें, 200-150 खर्च करते हैं और आने जाने खर्चा भी होता है, तो आप घर बैठे ऑनलाइन फ्री जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक और कमेंट्स कीजिए, दोस्तों से वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की जॉब्स की न्यू अपडेट जो भी लाता खैर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।